रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। अंबाला पुलिस की TIA 1 यूनिट ने 3 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से 175 किलो गांजा बरामद करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों की पहचान पानीपत निवासी अर्जुन, राजेश कुमार और सोनू के रूप में हुई है। इन्हें कोर्ट में पेश किया गया जहां से इनका 10 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया है। अंबाला के पुलिस अधीक्षक सुरिंदर सिंह भौरिया ने बताया कि जिले में ड्रग तस्करों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 26 अक्टूबर को सूचना मिली थी कि मिठापुर गांव में किराए के मकान में रहने वाले आरोपी ड्रग तस्करी में संलिप्त है। CIA 1 यूनिट ने छापेमारी कर इनके कब्जे से 175 किलो गांजा बरामद किया है। पुलिस रिमांड के दौरान इन नशा तस्करों से गहन पूछताछ करके नशा खरीदने और बेचने के संबंध में जानकारी हासिल की जाएगी। अंबाला से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। CIA 1 ने कमर्शियल क्वांटिटी में गांजा करीब 175 किलो, जिसकी वैल्यू 35 लाख रुपए के आसपास है इंटरनेशनल मार्केट में, तो ये एक मुकदमा दर्ज किया है साहा थाने में। इसमें 3 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया है जिसके नाम अर्जुन, राजेश और सोनू हैं। अर्जुन और राजेश समालखा के रहने वाले हैं और सोनू इसराना, ये तीनों पानीपत जिले के रहने वाले हैं। और बड़ी मात्रा में इनसे गांजा की खेप बरामद हुई है। परसों इनको अरेस्ट करके कल इनको कोर्ट में पेश किया गया। 10 दिन की पुलिस रिमांड पे है। जो जो इनके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंक हैं और क्या सोर्स है, कहाँ से ये इतनी बड़ी मात्रा में गांजा लेके आए, उस सब की काफ़ी लीड्स मिली हैं, उस पर अभी कार्रवाई की जा रही है। कहाँ से लेकर आए थे, कहाँ लेकर जा रहे हैं? जिला पुलिस की ओर से नशे के विरुद्ध चल रही है। इसी वर्ष करीब 15 करोड़ के आसपास की रिकवरी, नारकोटिक्स का जो रिकवर किया गया है उसका अमाउंट करीब 15 करोड़ के आसपास है। और 95 मुकदमे हम दर्ज कर चुके हैं जिसके अंदर 150 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया है। इसमें भी जो फोकस है वो सप्लाई चेन को तोड़ने का है, ना कि कोई छोटे वेंडर को पकड़ने का है। इसमें 26 मुकदमे हमने कमर्शियल क्वांटिटी के दर्ज किए हैं और करीब 62 मुकदमे इंटरमीडिएट क्वांटिटी के हैं। तो जितना सहयोग जनता से काफ़ी मिल रहा है, एक नंबर भी हमने जारी कर रखा है 9729990117। इस नंबर पे अच्छी सूचना मिल रही है। मेरा पुनः आपके माध्यम से ये अपील है और रिक्वेस्ट है कि किसी भी व्यक्ति के पास यदि कोई सूचना हो नशे के संबंध में तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करें, कॉल करें। जो भी कॉल करेगा, मैसेज करेगा, उसका नाम बिल्कुल गुप्त रखा जाता है और यदि कोई अच्छी रिकवरी कराएगा तो उसमें उचित इनाम भी इसमें दिया जाता है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।